एक वजीफा और देता हूं, पैसों के लान के आजकल लोग बहुत परेशान हैं, हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा लैला फी कुरैशिन पढ़ लिया करो और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया करो हर फर्ज नमाज के बाद, देखो अल्लाह ताला कितना देता है इंशाल्लाह। एक बात ये, दूसरा के जो पैसे आप गिनो ना, जो पोटली होती है ना जिसे पैसा रखते हो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, या तुम्हारा दज्जाली कार्ड होता है ना, दज्जाली कार्ड समझ गए, MTNL कहते हैं कि ATM कहते हैं पता नहीं, वो बच्चों के पास होता है, मैं कहता अब्बा अभी रखो, मुझे क्या जरूरत है भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत अल्लाह पूरी कर लेता है। उस पर भी एक मरतबा आप इतना आते ना कल को सर पढ़ के दम कर दोगे इंशाल्लाह, बैंक में से पैसे खत्म ही नहीं होंगे इंशाल्लाह। जब भी पैसा गिनो ना, जैसे पैसा गिनते अंदर रखते तो एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर दो, बहुत मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब, सलफ सालिहिन का मामूल था। और 3 नसीहतें बात करिए, बात खत्म करता हूं, यालमो सिर्रको, तुम्हारे बातिन को अल्लाह जानता है, वजहरको तुम्हारे जाहिर को जानता है, वयालमो मा तकसिबून जो तुम करते हो वही मालूम है, और आखिर में क्या लिखते थे, वह हुआ माकुम इनमा कुंतु, वो तुम्हारे साथ है जहां पर भी तुम हो। ये 4 चीजें अपने दिल में बिठा लो, हमारे बातिन को जानता है, हमारे जाहिर को जानता है, जो कुछ हम करते हैं वो भी उसको मालूम है, जहां हम हैं वो सब हमारे साथ है, इसलिए उस यकीन के साथ जिंदगी गुजारो। इसके लिए अल्लाह के रास्ते की भी तश्कील करते हैं, दुआओं का एहतमाम करने की भी तश्कील करते हैं, और कोई नमाज हमारी जाए नहीं होनी चाहिए। फजर की नमाज अगर कोई नहीं पढ़ेगा, शैतान कान में आकर पेशाब कर जाएगा, ये सही हदीस है। फजर की नमाजों का एहतमाम करो। एक साथी था मुझे कहता था कि मौलवी साहब जो है मैं जब भी जो है ना फजर की नमाज के लिए कजा होती है कोई मुझे याद आए ना आए, आप मुझे याद आते हो। उनका क्यों, काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने 2 फैसले किए हैं, और अल्लाह का फैसला अटल होता है। वमन अस्दक मिन अल्लाह कीला वमन अस्दक मिन अल्लाह हदीथा, अल्लाह की बात तजर्बे की बुनियाद पर नहीं होती, दुनिया वालों की बातें तजर्बे की बुनियाद पर होती है, अल्लाह की बात उसके इल्म की बुनियाद पर होती है। एक फैसला अल्लाह का यह है कि दीनदार को अल्लाह कामयाब करते हैं, चाहे गरीब हो कमजोर हो झोपड़े में रहता हो, दीनदार है कि कामयाब। दूसरा फैसला है कि बेदीन को अल्लाह नाकाम करते हैं, ये 2 चीजें तय हैं, दीनदार ये हमेशा कामयाब। उसको कुरान में कहा गया मन अमिल सालिहं मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, जिसने भला काम किया मर्द हो या औरत हो, ईमान के हालत में किया इस्लाम के हालत में किया, हम उसको पाकीजा जिंदगी देंगे, और मरने के बाद وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, जो भला काम करता था उसका बदला देंगे, वादा है। मादी लाइन में अल्लाह का कोई वायदा नहीं है, शादी करो हम तुम्हें औलाद देंगे, कोई वायदा नहीं, इंसान का तजर्बा है, शादी करो मुकद्दर में होगी तो मिलेगी, मुकद्दर में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, कारोबार करो तुम्हारे कारोबार को चमकाएंगे, ये कोई वायदा नहीं है भाई, अब करो मुकद्दर में होगी तो मिलेगी, मुकद्दर में नहीं होगी नहीं मिलेगी, तो मादी लाइन में कोई वायदा नहीं, मादी लाइन इंसान का तजर्बा सारी दुनिया के लिए, गैर मुस्लिम हो मुसलमान हो सबका दुनिया में आने का रास्ता एक है, ये नहीं है कि मुसलमान जो है और तरीके से आता है, गैर मुस्लिम किसी और तरीके से आता है, मालदार जो है किसी और तरीके से आता है, गरीब किसी और तरीके से आता है, ना सबका एक ही रास्ता, और दुनिया से जाने का भी एक ही रास्ता। तो मादी लाइन तो ये अल्लाह ने चलाई, रूहानी लाइन में अल्लाह वादा करते हैं कि एक मर्तबा आदमी ये दुआ पढ़ ले, पढ़ो मेरे साथ, रब्बना गफिर ली वले वालिदैया
वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। सही हदीसों में आता है कि जो एक मर्तबा ये दुआ पढ़ ले तो उस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। ये सही हदीस में, कोई इस हदीस का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सब उलमा का इत्तेफाक है। मेरी जो किताब में लिखता हूं, चाहे मोमिन के हथियार की शक्ल में हो, 26 सूरतों की शक्ल में हो, बिखरे मोती की शक्ल में हो, कुरान शरीफ के तर्जुमे की शक्ल में हो, तफसीर की शक्ल में हो, तो पहले पेज पर मैं इसे हाईलाइट करता हूं ताकि मुसलमान कम से कम एक मरतबा पढ़ तो ले। जितने मुसलमान होंगे, ये तो मैं नीचे से नीचे दर्जा बयान करता हूं, लिखने वालों ने तो ये लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान मर्द औरतें आएंगे और जितने जिन्नात मुसलमान मर्द औरतें आएंगे उन सब के बराबर अकाउंट में नेकी आएगी। और लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं अभी जिन्नात भी मुसलमान मर्द औरतें होंगे उनके अदद के बराबर आएगी। मैंने सब कॉल छोड़ दिए, आखिर कॉल ले लिया पक्का ठक्का कि इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें दुनिया में होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। ये वादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया। बीवी के मुंह में लुकमा दो, सत्ते का सवाब, ये वादा किया। मियां बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखें और दोनों मुस्कुराए, अल्लाह भी मुस्कुराते हैं, ये वादा किया। मियां बीवी दोनों को दोनों एक दूसरे से मुसाफा करें मोहब्बत के साथ, तो 10 उंगलियां इसकी 10 उंगलियां इसकी, तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे नल में से पानी खोले तो पानी का धड़ 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 नीचे गिरता है, ऐसे गुनाह झड़ते हैं। ये रूहानी लाइन है, इसमें वादा किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 100 मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ लो, समंदर के झाग के बराबर भी गुना होंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। ये वायदा किया। बीवी को भी लुकमा दो, सदके का सवाब। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक बंगला तैयार, ये वायदा किया। ये नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, एक महीने के बाद मिलेगा, अभी जब मटेरियल कम है, अभी भाव जरा स्टील का ज्यादा हो गया, अब जो बिल्डर पैसा लेके भाग गया, कल आना परसों आना, जमीन पड़ी हुई है, वो बिल्डर का भी ठिकाना नहीं, पैसे का भी ठिकाना नहीं। ना, आपने 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया तो सही हदीसों में आता है कि आपके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जन्नत में एक महल अल्लाह तैयार करेगा। तो हजरत उमर ने कहा 10 मरतबा पढ़ने से एक महल जन्नत मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। तो हजरत उमर ने क्या कहा? हजरत फिर तो मैं तो बहुत पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा। आपने फरमाया जितने महल बनाने हो बना, तेरे अंदर ताकत होनी चाहिए, कितने महल बनाता है तू? अल्लाह हु अक्सर वातियब, अल्लाह बहुत ज्यादा देने वाला है, ये वादा किया।